कोरस नॉट काउंटिंग मशीन, मॉडल नंबर कोरस इजी काउंट 440। इसके अंदर नंबर ऑफ पीस नोट गिनेगा और डुप्लीकेट पकड़ेगा। यहाँ पे ए या बी कुछ भी लिख के आए तो वो नोट नीचे गिरा हुआ आखिरी नकली रहेगा। बी आया, नकली नोट। इसके अंदर फंक्शन रहेंगे, UEMG सेंसर है। अभी प्रीसेट अगर हमने ऐड द प्रेस किया तो पहले बैच फंक्शन ऑन होगा, बैच 100। यहाँ पे 150 नोट रखा तो 100-100 का बैचेस बनेगा। इसको प्लस माइनस करना है तो आप रीसेट की दबाइए। यहाँ पे नीचे माइनस बना हुआ है तो ये 10-10 पीसीस में लेस होगा, 80, 70, 60। अगर इसको प्लस करना है तो प्लस की से 1-1 पीस प्लस होगा, 61, 62, 63। वापस रीसेट दबाया तो अब ऐड फंक्शन ऑन हो गया, बैच बंद हो गया। वापस दबाया, बंद हो गया। फंक्शन की मैं आप सेंसर बंद करके 2005 पहले के भी नोट गिन सकते हैं या 10, 20, 50 के छोटे डिनोमिनेशन प्रॉपरली गिन सकते हैं। दो बार तीन बार दबाएंगे तो UEMG बंद हो जाएगा और काउंट पे आएगा। लोकल का मतलब है INR पे ये वर्क कर रहा है अभी। वापस दबाया मैंने प्लस फंक्शन तो USD और MGUV आ गया। वापस फंक्शन दबाइए तो यूरो और UEMG रहेगा। वापस फंक्शन दबाइए तो लोकल मतलब INR और UEMG रहेगा। एकदम इजी फ्रेंडली मशीन है ये। ये खोलता कैसे है वो दिखा देता हूँ। हैंडल को उठा के पीछे कर दीजिए, मशीन बंद करके कीजिए और ढक्कन को यहाँ से पुल कर लीजिए। ये पूरा पोर्शन आपको क्लीन रखना है। जब भी आपका हैवी काउंटिंग हो उसको आप क्लीन कर लीजिए एक बार, या नोट फंस गए हो तो ऐसे आप हाथ से रोलर को घुमा के आप निकाल सकते हैं। इसको बंद करने के लिए हैंडल पीछे करके इसको हल्का प्रेस कर दीजिए और हैंडल को ऊपर से बिठा दीजिए। यूज़र फ्रेंडली और पर्सनल यूज़ के लिए दी बेस्ट मशीन है ये। थैंक यू सो मच।